साथियों, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। शुरुआत थी 15 अगस्त 1948 जब भारत आज़ाद हुआ। मुझे नहीं पता था कि छुआ छेद देश में है, ये तो काफ़ी समय से चली जा रही है। मगर जब रात को दिवाली हुई, लोगों घर घर में दिए जले, तो प्राइमरी स्कूल में भी दिए जलाए गए। अब बच्चा होने की वजह से 5-6 साल का था, तो मैंने वो दीपक उठा लिए। अब किसी को मास्टर ने कह दिया कि आपका हुक्का मानचंद ने छू लिया है। मास्टर ने वो हुक्का तोड़ दिया, चरम तोड़ दी और मेरी पिटाई हुई। तो वो मुझे बात याद थी। मैं चाहता था कि इसका बदला मैं कैसे लूँ। बीपी मोरा जी भी संगठन में लगे हुए थे, बाबा साहब का नाम लेते थे। काशीराम जी आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरे दिल में चीज थी, तो मैं एक कार्यक्रम में लगा रहा और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 1983 में माननीय 15 मार्च 1983 माननीय काशीराम जी ने साइकिल चलाई, क्योंकि हम साधारण समाज है, निर्धन समाज है, नेताहीन समाज है, तो छोटे छोटे साधनों का इस्तेमाल करके हम समाज को तैयार करना चाहते हैं, माननीय काशीराम जी ने कहा। तो यहाँ दिल्ली से कारवां चला 100 साइकिलों का। हम जगह जगह पहुँचे, आगरा में उनका भव्य स्वागत हुआ, कोलकाता में। तो जब उन लोगों दूल्हे की तरह से उनका लोछावर हुई, तो उन्होंने मेरी ओर कहा, मानचंद देख रहे हो, मैं हाँ साहब देख रहा हूँ, कोई समय आएगा तो ऐसा ही मैं अपने यहाँ कर दूंगा। लास्ट में हरिदास सिंह रोड पर बैठे हुए थे, साहब बोले, भाई ऐसा है कि हमारे पास फूल की कमी है, तू ऐसा कर मुझे सिक्को से तोड़ दे। फिर साहब आप में तो वजन ज़्यादा है, मैं कहाँ से तोड़ूंगा। कि नहीं, तू तोड़ सकता है। मैंने जब साइकिल रैली चलाई थी तो चारों तरफ जहाँ भी गया तेरे नाते रिश्तेदार, मुझे बहुत जगह जगह स्वागत हुआ। तो साथियों, हम यहाँ से परमिशन लेके गए, साहब से अपने यहाँ पहुँचे सासनी में। सासनी के लोगों को कहा कि भाई हमें साहब को तोड़ना है। तो उस टाइम डेंगू फैला हुआ था, जो हमने कूपन वहाँ के लोगों ने दिए वो वापस नहीं आए। लोग चाहते थे कि लोगों में डर पैदा हुआ था कि लोग पैसे को खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा, कौन से लोग हैं जो साहब को तोड़ने, और ऐसे कौन से शख्सियत है जिनको तोड़ा जा रहा है। क्योंकि आज तक तो जगह जगह से लोगों ने साहब का स्वागत किया और 9,000 रुपया उनको स्वागत में मिला और करीब 21,000 रुपया मेरे खर्च हुए। जय हिंद, जय भारत।